आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी की एक बहुत ही बढ़िया स्वीट, जिसे खाके कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने ये रोटी में से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेफ्ट ओवर चपाटी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 7 से 8 बची हुई रोटी। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी में डाल देते हैं। रोटी को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं और उसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून कटी हुई बादाम, 1/2 टेबलस्पून किशमिश और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/8 टीस्पून जायफल पाउडर। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप गुड़। घी और गुड़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम लो ही रखना है। गुड़ मेल्ट हो चुका है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े से बबल्स भी आने लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे हम रोटी वाले मिक्सचर में ऐड कर लेते हैं। मिक्सचर को अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हाथ से थोड़ा सा उसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ। अगर मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगे तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मिक्सचर को हाथ में लेंगे और उसको एक राउंड शेप दे देंगे। लड्डू की साइज आप अपनी पसंद की छोटी या बड़ी रख सकते हैं। लास्ट में जो ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है तो उसमें हम सारे लड्डू को रख लेंगे और बाउल को ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे, जिससे मिक्सचर लड्डू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा और लड्डू भी एकदम गोल गोल शेप में आ जाएगा। तो लीजिए, हमारे लेफ्ट ओवर रोटी के लड्डू बनके तैयार है। अब जब भी आपके घर में रोटी बच जाए तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।